हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह के बजे हैं 7, और देखो कल हमने कहाँ टेंट लगाया था। ये पेट्रोल पंप है इसके बराबर में यार। ये देखो अपना पूरा सामान ऐसे फैला हुआ है। तो अभी हमें जाना है सीधा जम्मू। ये जो हाईवे देख रहे हैं, अब ये सीधा जम्मू जा रहा है। बढ़िया नींद आई यार। कल श्रीनगर भी घूम लिया, पर यार सही बताऊँ सिटी घूमना इतना अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है यार। चल चल के आप बहुत थक जाओगे। एक तो ऊपर से इतना भारी बैग, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो ठीक है यार, जल्दी से बैग पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और ये देखो सनराइज़ कितना बढ़िया हो रहा है। ठीक है चलते हैं यार, जल्दी से बैग पैक करते हैं। चलते हैं यार। जाते जाते पेट्रोल पंप वाले सर ने कहा कि चाय पीते जाओ, और यहाँ की नमकीन चाय बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं यार। बढ़िया थी, मज़ा आ गया। और कुछ ऐसा व्यू है यार यहाँ का, ये देखो। अभी देखते हैं लिफ्ट कितनी देर में मिलती है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो, अब पता हम जम्मू की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। पहले हम गए थे ऊपर की तरफ। सर बता रहे थे कि आप अभी ऊपर से आ रहे हो, तो आप डाउन जा रहे हो। मैं कहा ओके सर। यार हमारी इंडियन आर्मी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अभी मैं थोड़ा पैदल चलूँगा, उसके बाद लिफ्ट मांगूँगा, मिल जाएगी यार, लोग बहुत अच्छे हैं। फाइनली फैमिली बैठ के जा रही थी यार, इसलिए पता है कोई अकेले जाता है, दो लोग जाते हैं तो ज़रूर लेके जाते हैं। अभी देखते हैं। इन्होंने भी नहीं दी यार। चलो ठीक है, लिफ्ट मिलने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो भाई अपनी सुबह की पहली लिफ्ट मिल चुकी है, भैया जी ने दिया, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं? अनंतनाग। अच्छा, नाम क्या आपका? आबिद। अच्छा आबिद, तो कितना किलोमीटर जाएंगे हम? लगभग 30। अच्छा, तो 30 किलोमीटर के लिए लिफ्ट मिली है यार, चलते हैं। ये देखो कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। लिफ्ट मिलना यार थोड़ा यहाँ हार्ड हो गया, इसलिए हार्ड इसलिए हो गया ना क्योंकि यहाँ हर जगह अपने इंडियन आर्मी है, इसलिए लोग डर के मारे रोकते नहीं है। और ये देखो यार कितनी भारी संख्या में गाड़ियाँ जा रही हैं। कम से कम 35 किलोमीटर सर जी ने उतार दिया, थोड़ा यहाँ बैठ के रेस्ट किया, उसके बाद निकल गया। यार यहाँ आर्मी वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा बैठने नहीं देते कि चलो भाई एक दो मिनट बैठ जाओ आराम से। कहते हैं चलो चलो आगे चलो, बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं यार। फिर भी बैठ जाता हूँ मैं। बाप बुलाते हैं, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, ये वो, बड़ी पूछताछ करते हैं। अभी देखते हैं कोई गाड़ी। आगे नहीं जाऊंगा यार, आगे और भी परेशान करेंगे, खड़े हुए हैं ना आगे इसलिए, और सामने खड़े हुए हैं इसलिए आगे तक नहीं जाऊंगा, परेशान ज़्यादा करेंगे। यहीं से लिफ्ट मांगूंगा, देखते हैं। और कुछ अभी हमें 65 किलोमीटर जाना है, उसके बाद हमारा माउंटेन शुरू होएगा। चलते हैं यार। तो भाई साइकिल लिफ्ट भी मिल गई, बड़े दिनों बाद यार बाइक पर लिफ्ट मिली है, बड़ा मज़ा आ रहा है। भैया ने दिए, थैंक यू सो मच। तो 30-35 किलोमीटर तक जाएंगे भैया जी। ठीक है चलते हैं यार, फर्स्ट टाइम बाइक पे लिफ्ट मिली है। जिन भैया ने लिफ्ट दी थी उन्होंने बिठा दिया मुझे ट्रेन में। सर जी हम कहाँ तक जाएंगे वैसे आप? अच्छा मुझे तो कटरा जाना है। अच्छा तो बनिहाल तक जाएंगे हम, वहाँ से फिर वहाँ से दोबारा लिफ्ट लेंगे, इसलिए बिठाया ना, जल्दी पहुँच जाएंगे यार। भग भग क्या है, ट्रेन रुक भी थी इसलिए। चलते हैं। अभी हमारी गाड़ी रुकी है काजीगुंड में, काफ़ी बढ़िया यार। ये लोकल पैसेंजर ट्रेन है, रुक के चलती है काफ़ी देर देर तक,
और जिन्होंने लिफ्ट दी थी बहुत बढ़िया थे यार, बहुत बढ़िया। और यहाँ के जो भी ऑफिसर्स हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, मुझे कह रहे जल्दी चलो जल्दी। मैंने कहा सर टिकट देने के लिए कहीं बैठो बैठो जल्दी बैठो बैठो। सही था यार। और ये देखो अभी हमारे पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं थोड़े थोड़े से दिखने। तो भाई चल रही अपनी ट्रेन। ये देखो छोटे छोटे पहाड़ दिखने नज़र आ गए, अब आगे चल चल के और दिखेंगे बड़े बड़े पहाड़। देखो गाइस छोटे छोटे पहाड़ दिखने लग गए भाई, आगे चल चल के काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना। ठीक है यार चलते हैं आगे। तो बनिहाल स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, कुछ ऐसा रोड है यहाँ से बाहर जाएंगे मार्केट से। मार्केट है अभी ना भैया जी आगे, मार्केट से फिर थोड़ा आगे चलेंगे वहाँ लिफ्ट लेंगे। यहाँ से जम्मू कितना किलोमीटर होगा? 200। अच्छा 200 होगा, चलो यार 200 बचाए। कोई नहीं ये भी हो जाएगा यार, जब दिल्ली से हिमाचल लद्दाख घूम आए तो 200 किलोमीटर भी कवर करते हैं, चलते हैं। पर यार चलने में मज़ा अलग है पहाड़ों में, सिटी में नहीं चल पाओगे आप। जैसे कल मैं श्रीनगर गया, मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी चलने की, और देखो पहाड़ों में आगे कितनी हिम्मत बन गई। भैया लोग मिल जाते हैं बात बात करते हुए चले जाते हैं आराम से यार। ठीक है चलते हैं, लिफ्ट मिलती है फिर बताता हूँ आपको। इसे बात कर। तो भाई अभी भाई के साथ जा रहे हैं थोड़ा आगे तक, रोड खुला हो जाएगा ना, हाईवे आ जाएगा, वहाँ तक जा रहे हैं, उसके बाद लिफ्ट मांगेंगे। आपका नाम क्या भैया? मुदस्सिर। अच्छा कहाँ से हो? बनिहाल से। अच्छा मिलके बहुत खुशी हुई। तो भाई अकेले चलने में यार थोड़ी दिक्कत होती है, भाई साथ मिल गए, भाई के साथ बातें करते करते मज़े में जा रहे हैं। और एक बोतल पानी भी भर लिया ठंडा सा, और फ्रिज में इतना ठंडा पानी नहीं होगा जितना ठंडा यहाँ का पानी है। और यार यहाँ इंडियन आर्मी इतनी भरी पड़ी है भाई, छत छत पे भरी पड़ी है। अभी चलते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा आगे चलते हैं उसके बाद लिफ्ट लेंगे। अभी हमारा यहाँ से 115 किलोमीटर होगा ना। हाँ ठीक है चलते हैं। तो गाइस लिफ्ट मिल चुकी है, खाना भी खा लिया, खाना भी भाई सर ने खिलाया था, जो हमारे इंडियन आर्मी है ना, खाना भी उन्होंने ही खिलाया था मुझे आज, तो सर ने लिफ्ट दी है। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम क्या है? अच्छा जी कहाँ के हो? अच्छा तो सर जम्मू के हैं। तो अभी एक सर ने ही बिठाया मुझे अपने जम्मू। अच्छा अच्छा तो मैं ऐसे पैदल चल रहा था, क्योंकि यार पता है कि अब अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई ना आज से, तो इसलिए गाड़ियाँ बहुत जा रही हैं, और गाड़ियाँ को इसलिए नहीं रोकता क्योंकि जाम लग जाता है। तो सर ने बिठाया मुझे, थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर के लोग यार बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा वाकई में बहुत हेल्पफुल हैं। तो ठीक है चलते हैं सर, जहाँ तक छोड़ते हैं हमें। और ये देखो यार कितना कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं अमरनाथ की यात्रा के लिए, देख रहे हो आप। ये देखो यार कितना जाम लगा हुआ है, ये सारी अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, देख रहे हो कितना जाम लगा हुआ है। जितना भी जाम है ये सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए है। ये देखो भाई बिल्कुल भर भर के जाम लगा हुआ है, भर भर के। अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं यहाँ पर, आप सामने देख रहे हो यहाँ पर लंगर हो रहा है, अमरनाथ की यात्रा चल रही है ना, तो इसलिए लंगर हर जगह मिल रहा है यार। मेरा पेट तो भरा हुआ है, थोड़ा बहुत पानी वानी पीना है, पानी पीते हैं यार। ठीक हो चाचा कैसे हो? नमस्ते।
तो भाई अभी हम पहुँचे चेन्नई नासरी टनल, जो कि अपनी जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी टनल है 9 किलोमीटर की। दिखाता हूँ आपको, नहीं कोई नहीं, ठीक है। ये देखो भाई, ओहो अच्छा आप ये कह रहे हो। तो ये रही भाई अपनी सबसे लंबी टनल जम्मू कश्मीर की, पूरी 9 किलोमीटर की। देख रहे हो कितना साफ सफाई का, लाइटिंग का कितना ध्यान रखा गया है, ताकि किसी को परेशानी ना हो। ऐसी टनल है जैसी आपने रोहतांग में देखी थी ना, वैसी टनल है ये भी। पाँच बज चुके हैं, अभी हो चुका है अपने चाय का समय, तो पीते हैं चाय। कुछ ऐसा सीना, मौसम देख रहे हो कितना बढ़िया हो रहा है यार। तो अभी इस ट्रक में हमें लिफ्ट मिली है उधमपुर तक। उधमपुर से हमारा 10 किलोमीटर माता वैष्णो देवी का पड़ेगा स्टेशन। कोई नहीं यार, इतना हो गया इतना भी हो जाएगा। तो अभी चलते हैं चाय पीते हैं। और ये बन रही है अपनी चाय, हमारे मास्टर जी देख रहे हो कितना उबाल उबाल के चाय बना रहे हैं। मास्टर जी कहाँ से हो आप? रामनगर से। अच्छा, और ठीक हो? नाम क्या आपका? नाम मेरा संतोष सिंह। अच्छा चलो ठीक है यार, सर जी बढ़िया सी चाय बनाएंगे, चाय पी के चलते हैं फिर। तो भाई अभी टाइम हुआ है 5:05 और हम पहुँच चुके हैं उधमपुर। बड़ी प्यारी सिटी यार, देख रहे हो बड़ी खूबसूरत है। अभी यहाँ से हमें मिलेगी कटरा के लिए बस, क्योंकि आगे व्हीकल नहीं जाते, सिर्फ बस जाती है। और जो ट्रक वाले सर थे उन्होंने मुझे 50 रुपये दे दिए, कह रहे लो बेटा किराया ले लो, मगर नहीं नहीं सर जी मैं मना कर रहा था, फिर भी ज़बरदस्ती दे दी यार। तो ठीक है चलते हैं, बस का इंतज़ार करते हैं। भाई पहुंच गए कटरा यार, कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। ये है चौक, ये यहाँ से अब हमें जाना है सीधा स्टेशन। स्टेशन जाएंगे, अपना बैग वैग जमा कराएंगे, फिर वहीं आराम करेंगे आज। और ये देखो यार, मुझे डंडा भी मिल गया। किस्मत देखो कितनी बढ़िया है, यात्री यात्रा करके जा रहे थे दर्शन करके, उन्होंने मुझे डंडा दे दिया। अब चलते हैं स्टेशन पर, बैग जमा कराएँगे फिर आराम करेंगे।